Hello friends, welcome to my channel GateNaps for you. Let's open gates of success together. Please like and subscribe and press the bell icon. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का GateNaps for you चैनल में. और हम रेपिटेटिव स्टेटमेंट्स पढ़ रहे थे सी प्रोग्रामिंग की सीरीज में. तो अभी तक हमने व्हाइल लूप को बहुत अच्छे से समझ लिया, उसके ऊपर क्वेश्चन समझे, फिर हमने डू व्हाइल को भी बहुत अच्छे से किया और व्हाइल डू व्हाइल में कैसे डिफरेंस होता है या किस तरीके से वो आउटपुट को इफेक्ट करता है वो हमने अच्छे से समझा. अब हम समझेंगे फॉर लूप. तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, व्हाइल डू व्हाइल और फॉर लिखने का सिर्फ सिंटैक्स अलग है, बाकी चीज़ सेम ही है. आप तीनों से एक जैसा काम करा सकते हैं. हमने व्हाइल और डू व्हाइल में ये चीज़ अच्छे से देख भी ली है. तो दोस्तों, इस प्रोग्राम में और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि फॉर में किस तरीके से हम लिखते हैं, इसका सिंटैक्स क्या, और फॉर के बारे में सब कुछ यहाँ जानने की कोशिश करेंगे और किस तरीके से एग्जामिनर इसमें क्वेश्चन सेट करते हैं वो चीज़ें भी हम अच्छे से समझेंगे. तो दोस्तों, जैसा कि हमने लूप्स पढ़ा, तो ये भी क्या है, एक रिपीटेटिव स्टेटमेंट ही है आपकी. तो सिंटैक्स क्या होता है फॉर का, दोस्तों ये यहाँ पे एक ध्यान देने वाली चीज़ है कि ये फॉर का सिंटैक्स में क्या कैसे होता है. यहाँ पे एक्सप्रेशन वन होता है, फिर सेमीकॉलन होता है, फिर एक्सप्रेशन टू होता है, फिर सेमीकॉलन होता है. दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो सेमीकॉलन है आपका यहाँ नोट करने के लिए. दोस्तों, एक तरीके से यहाँ पे हम तीन पार्टीशन कर देते हैं, पार्टीशन वन, टू एंड थ्री. तो दोस्तों, इस फर्स्ट पार्टीशन में हम जनरली क्या रखते हैं, इनिशियलाइजेशन करते हैं वेरिएबल्स का. हम आगे कॉमा ऑपरेटर भी समझेंगे कि कॉमा ऑपरेटर हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने फॉर लूप में. कॉमा ऑपरेटर, दोस्तों मैंने कॉमा ऑपरेटर के लिए ऑपरेटर्स में वीडियो बनाई है, बहुत डिटेल में हमने कॉमा ऑपरेटर पढ़ा है. और हम इस चीज़ को नहीं पढ़ के जाते, बट कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चन बनने के लिए कॉमा ऑपरेटर एक बहुत अच्छा ऑपरेटर, मतलब उसके ऊपर एग्जामिनर डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन सेट कर देते हैं. और जनरली हम उसको, क्योंकि प्रोग्रामिंग में हम कहीं यूज़ नहीं करते हैं, तो उसके ऊपर हमारा मिस्टेक करने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है. और दोस्तों, आपको पता भी है कि कॉमा ऑपरेटर हमारा की प्रायोरिटी सबसे कम होती है. तो आप ज़रूर, अगर आपने वीडियो वो नहीं देखी तो कॉमा ऑपरेटर की वीडियो ज़रूर देखें. तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे एक्सप्रेशन वन होता है, एक्सप्रेशन टू और एक्सप्रेशन थ्री. तो एक्सप्रेशन वन में आपको बता रहा था कि जनरली इनिशियलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं हम. यहाँ पे आपने देखा होगा इक्वल्स टू वन या कुछ लिख के हम यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं. और दोस्तों, जो हमारा एक्सप्रेशन टू होता है, जनरली इसमें हम क्या लगाते हैं, कंडीशन लगाते हैं, और कंडीशन की वैल्यू क्या होती है, ट्रू या फॉल्स. तो उसके हिसाब से यहाँ पे काम होता है. फिर होता है दोस्तों हमारा पास एक्सप्रेशन थ्री, और इसके बाद हमारा होता है ब्लॉक. जो भी हमारा ब्लॉक है, ये ब्लॉक रहेगा इसके बाद, ठीक है दोस्तों. तो यहाँ पे क्या है, जो एक्सप्रेशन थ्री होता है वो क्या होता है, जनरली वहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के लिए वहाँ पे यूज़ करते हैं. तो दोस्तों, जैसे फॉर लूप में अगर आप यहाँ पे लगा रहे हैं, किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि दोस्तों, सपोज़ हमारे पास एक्सप्रेशन वन में हम आते हैं, अगर यहाँ पे क्या होता है, इसका फ्लो चार्ट सॉरी मैंने नहीं बनाया, तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं. एक्सप्रेशन वन आपका पहली बार चलता है, फिर इसके आप बाद जाते हैं आप एक्सप्रेशन टू पे. और एक्सप्रेशन टू क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, कंडीशन होती है. तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो आप ब्लॉक में एंटर कर जाएंगे. और इसके बाद दोस्तों, जैसे कि रेपिटेटिव स्टेटमेंट है, आप बाहर नहीं निकल सकते जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए. तो आप ये ब्लॉक रन करने के बाद कहाँ जाएंगे, वापस एक्सप्रेशन थ्री पे. इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं, उसके बाद दोबारा से क्या होगी, कंडीशन चेक होगी. इसके बाद आप फिर नीचे जाएंगे, फिर ब्लॉक रन होगा, फिर आप ऊपर जाएंगे. जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी, आप इसी तरीके से चलते रहेंगे. और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, आप निकल के बाहर आ जाएंगे दोस्तों. अब इसके बाद हम इसमें प्रोग्राम में अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके से काम होता है. बट फॉर में दोस्तों, हम कुछ एक्सप्रेशंस इसके एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से फॉर वर्क करता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है देखना. फॉर में दोस्तों, हम कोई भी चीज़ एम्प्टी छोड़ सकते हैं. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने क्या किया है, एक्सप्रेशन वन में हमने कुछ यूज़ नहीं किया है, मतलब इस जगह हमने, इसे हम प्रोग्राम में बहुत अच्छे से समझेंगे भी. बट दोस्तों, फॉर में कोई भी चीज़ आप एम्प्टी छोड़ सकते हैं, कोई भी ब्लॉक इसका एम्प्टी हो सकता है, कोई भी. जैसे यहाँ पे मैंने फर्स्ट और थर्ड को एम्प्टी रखा है, एक्सप्रेशन टू को यूज़ किया है, इसमें एक्सप्रेशन वन को यूज़ किया है और इन दोनों को यूज़ नहीं किया है, इसमें केवल एक्सप्रेशन थ्री रखा है. ऑल थ्री आर वैलिड दोस्तों, इसमें किसी में भी कोई एरर नहीं आएगी, ये सब वैलिड है. और दोस्तों, जो इसके नीचे हम कर रहे हैं, उसमें क्या है दोस्तों, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कौन सा है, फॉर. यहाँ पे हमने ये एक्सप्रेशन में मिस कर दिया है, यहाँ पे थर्ड पार्ट हमने नहीं रखा है, तो इस वजह से दोस्तों इसमें एरर आएगी. यहाँ पे हमने केवल एक ही ब्लॉक रखा है, मतलब इसके पार्टीशन नहीं किए, फर्स्ट पार्टीशन भी नहीं है और सेकंड पार्टीशन भी नहीं है, तो ये भी एरर है. या आप फर्स्ट पार्टीशन नहीं रख रहे तो भी एरर है. तो दोस्तों, इस तरीके से आप एरर किस तरीके से जनरेट हो सकती है, इसलिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है, कि हमेशा आपके पास यहाँ पे दो सेमीकॉलन होंगे ही होंगे. कुछ भी चीज़ नल हो सकती है, बट टू सेमीकॉलन्स आर मस्ट इन फॉर लूप, यू नो, बिकॉज इन फॉर लूप सेमीकॉलन्स इज बीइंग यूज्ड फॉर पार्टीशन, फर्स्ट पार्टीशन, बिकॉज इन फर्स्ट थिंग यू कैन इनिशियलाइज योर वेरिएबल, यू कैन गिव सम वैल्यूज.
and here the condition is will be checked. And if this condition is true, you will enter to the block, and after that you will go to the increment and decrement section. Again you will go there, again you will come, and then you will increment or decrement, again condition will be checked. So these things will happen. If you will not do the partition here, then there will be a complication for the compiler to understand where is the initialization section and where to go. So that's why students, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें कहाँ पे इनिशलाइज करना है और कैसे करना है. इसलिए दोनों हमारे सेमीकोलन मस्ट हैं और एरर आ सकती है, तो इस चीज़ पे ध्यान रखें कि किस तरीके से यहाँ पे अदरवाइज इसका यूज़ करते हैं एग्जामिनर्स. तो ओके दोस्तों, अब एक प्रोग्राम इस पे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हमने एक प्रोग्राम को लिखा है डिफरेंट डिफरेंट वे में और किस तरीके से वो इफेक्ट करेगा देखते हैं. तो दोस्तों मेन में हमने लिया आई की वैल्यू क्या कर दी, हमने ऊपर ही डिफाइन कर दिया आई की वैल्यू 1 दोस्तों यहाँ पे. तो अब आप नीचे जाएंगे तो इनिशियलाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आई की वैल्यू क्या है 1, यहाँ कुछ नहीं भी है तो आप डायरेक्ट कहाँ जाएंगे इस सेक्शन पे. आई की वैल्यू दोस्तों इस टाइम पे क्या है हमारे पास 5, तो आई की वैल्यू दोस्तों क्या है हमारे पास 5 है. तो हम क्या करेंगे, 1 5 से छोटा है, कंडीशन होगी ट्रू, आप नीचे एंटर करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा आपका 1. आई क्या हो जाएगा 2, आप इस ब्लॉक से बाहर नहीं जा सकते. यहाँ के बाद आप कहाँ जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर, यहाँ कुछ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पर कर चुके हैं. तो अब आप फिर कंडीशन चेक करेंगे, आई क्या हो चुका है 2, 2 5 से छोटा है, इस बार प्रिंट होगा 2, फिर ये हो जाएगा 3, फिर ऊपर जाएंगे, इस तरीके से आप चलते रहेंगे. जब ये 6 हो जाएगा, 6 5 से छोटा नहीं है, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, आप आ जाएंगे बाहर. तो 1 2 5 प्रिंट हो जाएगा. अब दोस्तों सेम ये काम आप वाइल में कर सकते हैं. इंस्टेड ऑफ हैविंग दिस, हमने वाइल का प्रोग्राम बनाया था, अगर आपने वाइल की वीडियो देखी है तो आप यहाँ पर वाइल भी लिख देंगे तो भी सेम काम यहाँ पर हो सकता है. वाइल आई लेस देन इक्वल्स टू 5 अगर आप लिख देंगे तो कुछ और हटाने की ज़रूरत नहीं है. इनिशियलाइज आप ऊपर कर चुके और ये चीज़ यहाँ पे कर चुके. तो दोस्तों मैंने इसीलिए प्रोग्राम भी सेम लिया है जिससे कि आप वाइल और फॉर, मैंने आपको जैसा कि बताया कि वाइल फॉर एंड डू वाइल तीनों से आप सेम तरीके का वर्क ले सकते हैं, बट डिफरेंस क्या है, केवल उनके सिंटेक्स में डिफरेंस है. तो एक बार दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, आई को 1 दे दिया यहाँ पर, और हमने यहाँ पर ब्लॉक नहीं बनाया तो केवल एक स्टेटमेंट को अपने अंदर कंसिडर करेगा ये. तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, वाइल में अगर आप ब्लॉक नहीं लगा रहे हैं तो सेकंड स्टेटमेंट को कंसीडर नहीं करता. आप वाइल की वीडियो अगर नहीं देखी तो प्लीज़ एक बार उसको देख लीजिए तो आपको ये क्लियर भी हो जाएगा. बट यहाँ पे दोस्तों हर ब्लॉक नहीं लगाने से क्या होता है, केवल एक ही स्टेटमेंट को अपने अंदर कंसीडर करता है. तो यहाँ पे ये आराम से चलने वाला है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इनफाइनाइट लूप भी नहीं बनेगा और प्रिंटिंग भी होगी जैसा कि वाइल के केस में हो गया था. वहाँ इनफाइनाइट लूप बन गया था और केवल 1 ही प्रिंट हो रहा था इनफाइनाइट टाइम. तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपने इनिशियलाइज आई की वैल्यू कर दी है 1, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ कुछ नहीं है, कंडीशन होगी चेक, 1 5 से छोटा है, आप नीचे जाएंगे, आई हो जाएगा प्रिंट 1, इसके बाद आप जाएंगे यहाँ पे, आई हो जाएगा 2, फिर कंडीशन चेक होगी, 2 5 से छोटा है, नीचे जाएंगे, प्रिंट होगा 2, आई हो जाएगा 3, 3 छोटा है 5 से, फिर नीचे जाएंगे और इसी तरीके से आप 5 तक करेंगे. जब ये 6 हो जाएगा, 6 5 से छोटा नहीं है, बाहर आ जाएंगे तो आउटपुट आपकी 1 2 3 4 5 होगी. और नॉर्मली दोस्तों हम इस तरीके से फॉर लूप को यूज़ करते हैं कि क्योंकि फॉर लूप में इनिशियलाइज ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इनिशियलाइज यहाँ पर भी कर सकते हैं, सेक्शन है हमारे पास अवेलेबल. तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सॉरी, आई की वैल्यू 1 यहाँ पे इनिशियलाइज ना करके यहाँ पे किया. तो दोस्तों ऐसा कि आई है तो अभी आई में गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी, बट जब आप फॉर में जाएंगे तो पहले ही एंटर होगा आपका इनिशियलाइजेशन सेक्शन में. यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है 1, आप क्या होगा, ये 1 के बाद जाएगा कंडीशन चेक करने, 1 5 से छोटा है, कंडीशन होगी ट्रू, प्रिंट होगा 1, फिर आप चले जाएंगे आई पे, आई हो जाएगा 2, 2 5 से छोटा है, इस तरीके से चल के ये पूरा प्रिंट कर देगा. दोस्तों मेरा सजेशन है कि आप लिख के प्रोग्राम को खुद चला के देखें, चलाना ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों. जितना आप ज़्यादा चलाएंगे उतनी आपको प्रोग्राम्स में क्लैरिटी आएगी. आपको कुछ प्रोग्रामिंग का मतलब होता है, कुछ भी आपको दें आप वो बनाने में सक्षम हो. तो जब हम प्रोग्रामिंग की सीरीज करेंगे, मतलब मैं इस सीरीज़ में ऐड करूँगा कि कैसे आप प्रोग्राम्स लिख सकते हैं और प्रोग्रामिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, बट अभी डेडिकेटेडली हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं प्लस कॉम्पिटिशन में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. बाद में हम डिटेल्ड में इसका प्रोग्रामिंग के ऊपर भी सेपरेट क्लासेस डालेंगे. तो बट अगर आपको इसकी अच्छे से नॉलेज होगी तो वहाँ पे भी काम आप अच्छे से कर सकते हैं बहुत. तो प्राइम नॉलेज यही है कि किस तरीके से लिखना चाहिए या क्या किस तरीके से वर्क करता है लूप्स या कोई भी चीज़ हो. तो हम कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं यहाँ पे. तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये किस तरीके से काम करेगा और क्या चेंजेस करने से हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ जाएगी. तो एक प्रोग्राम भी बना के इसके बेसिस पे समझते हैं कि किस तरीके से फॉर लूप वर्क करेगा. दोस्तों ये मैंने वाइल का ही स्ट्रक्चर सेम रहने दिया था, हमने प्रोग्राम वाइल में चलाया था आपको ध्यान होगा. तो हम इसको चला रहे हैं, ये प्रिंट कर देगा आपका 1 2 3 4 5 और आप जब कंडीशन हो जाएगी फॉल्स 6 से प्रिंट हो जाएगा, आपकी आउटपुट आ गई थी 1 2 3 4 5 एंड मैसेज. तो दोस्तों अभी मैं इसको फॉर वाइल की जगह क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, फॉर लिख रहा हूँ और हम इस प्रोग्राम को चला के देखेंगे. अब दोस्तों आप एक सेकेंड वीडियो पॉज करके देखिए क्या प्रोग्राम में सब कुछ सही है, मैंने फॉर लिखा है
तो हाँ, आप सबने देखा होगा कि हमने यहाँ पे क्या किया, सेमी कॉलन नहीं लगाया। जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया था कि अगर आप सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे तो एरर आएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ रही है कि एरर फॉर फोर स्टेटमेंट के लिए, अगर आप इसको मैसेज को बड़ा करके देखेंगे, फोर स्टेटमेंट मिसिंग, कोड हैज़ नो इफेक्ट। तो वो दोस्तों इसी वजह से आ रही है क्योंकि आपने यहाँ पे जो कोड लिखा है फॉर का सिंटेक्स सही से नहीं लिखा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सेमी कॉलन लगाने पड़ेंगे। अब दोस्तों मैंने और कुछ चेंज नहीं किया है, वाइल की जगह फॉर लिख दिया सिंटेक्स में, जहाँ पे कंडीशन लगाते थे वाइल में सेम यहाँ पे लगा दी है। और दोस्तों हम पिछले प्रोग्राम के आउटपुट देख सकते हैं, ये थी, मैं प्रोग्राम को डायरेक्ट रन कर रहा हूँ फॉर लूप वाला, आप देख सकते हैं सेम आउटपुट है। तो जो काम हमने वाइल से किया था सेम वो फॉर से भी कर दिया है। आप इसको लाइन बाई लाइन चला के भी देख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे फॉर अपडेट हो गया, मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पे हम इसको लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट करके देखेंगे। आई है वन दोस्तों, तो वन यहाँ पे इनिशलाइज हुआ नहीं है, 1 5 से छोटा है, कंडीशन होगी ट्रू और 1 हो जाएगा प्रिंट, फिर आई हो जाएगा 2, अब 2 5 से छोटा है, इस तरीके से ये 5 बार चलेगा। जब ये हो जाएगा 5 तक प्रिंट हो गया, 6 हुआ, 6 5 से छोटा नहीं है, आप कंडीशन फॉल्स होके बाहर आ जाएंगे, मैसेज प्रिंट होगा गेट नेप्स फॉर यू, और आप मैसेज के आउटपुट देख सकते हैं। दोबारा दोस्तों अगर हम ये आई की वैल्यू इनिशलाइज यहाँ ना करके इसके अंदर भी करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप इसको चला के देख सकते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे आई की वैल्यू स्टिल गार्बेज है, बट जब आप यहाँ जाएंगे इनिशियलाइजेशन सेक्शन देखिए दोस्तों, अभी तक नहीं चला है, जब ये पहले चलेगा आई की वैल्यू हो जाएगी 1, 1 5 से छोटा है, कंडीशन होगी ट्रू, आप अंदर जाएंगे, प्रिंट होगा 1, आई हो जाएगा 2, इस तरीके से ये चलता रहेगा। फिर आप ऊपर जाएंगे, जब ये 5 के बाद कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आप जाएंगे चेक करके बाहर आप आ जाएंगे और मैसेज आपका प्रिंट हो जाएगा, स्टिल आउटपुट आपकी सेम है। दोस्तों अगर आप आई प्लस प्लस, अब देखिए दोस्तों जैसे हमने फॉर में वाइल में लूप हटा दिया था, यहाँ पे भी हम हटा के देखते हैं। तो दोस्तों इस टाइम पे अगर मैंने यहाँ पे ब्लॉक नहीं लगाया है तो केवल इसी स्टेटमेंट को अपने अंदर कंसिडर करेगा, आपने आई प्लस प्लस को बाहर लिख रखा है। तो दोस्तों जैसा कि वाइल के प्रोग्राम में हुआ था, अगर आपने वाइल की वीडियो देखी है, सेम यहाँ पे भी वही होने वाला है, प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। बट आप इस प्रोग्राम को चलाएंगे लाइन बाई लाइन तो क्या होगा, आई की वैल्यू होगी 1, 1 5 से छोटा है, प्रिंट होगा। अब मैं चला रहा हूँ इसको बार बार, ये चल भी रहा है और ये इनफाइनाइट टाइम प्रिंट करे जा रहा है क्योंकि कंडीशन है ट्रू और आप नीचे वाली स्टेटमेंट पे जा नहीं पा रहे हैं, हर बार वो चेक हो रहा है 1 5 से छोटा है। आप देख सकते हैं आई की वैल्यू स्टिल 1 है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी बहुत सारे 1 अब तक प्रिंट हो चुके हैं। तो दोस्तों इसीलिए अगर आप यहाँ पे भी सेमी कॉलन नहीं लगाते हैं और आपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अलग से कर रखा है तो फिर ब्लॉक लगाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए मैं अगर आई प्लस प्लस यहाँ पे कर दूंगा तब इनफाइनाइट लूप चलने की कोई टेंशन हमें नहीं होगी क्योंकि दोस्तों एक ही स्टेटमेंट को अपने अंदर कंसिडर करेगा और आपने जो काम फॉर में करना था वो इसी स्टेटमेंट में कंप्लीट अपना कर दिया क्योंकि इंक्रीमेंट सेक्शन भी आपने यहाँ पे रख दिया। तो दोस्तों यहाँ पे हमने नहीं लगाया है, स्टिल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चल रहा है, 1 2 3 4 और 5 के लिए चलेगा, अभी तक देख सकते हैं आप 1 2 3 4 प्रिंट हो गया है, इस बार चलेगा, आई की वैल्यू 5 भी प्रिंट हो जाएगी। फिर उसने कंडीशन आई हो गया था 6, 6 5 से छोटा नहीं था, बाहर आ गए थे, मैसेज प्रिंट होगा और आप देख सकते हैं इसने ये अपना काम कर दिया। तो दोस्तों अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ कि सपोज मैं यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देता हूँ तब हमारे प्रोग्राम की आउटपुट क्या होगी। तो आउटपुट क्या होगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, तो मुझे ये भी लगेगा कि आप वीडियोस को कितना अच्छे से समझ पा रहे हैं। और फिर नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को मैं लूँगा और इसके साथ बहुत सारे चेंजेस हम करके देखेंगे कि क्या क्या चेंज करने से हमारे पास किस तरीके से प्रोग्राम पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो ओके दोस्तों, आपको आशा करता हूँ फॉर लूप के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा और प्रोग्राम में कोई भी कॉम्पिटिशन में हम इसका क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।